Hey, what's up everyone? In this video, I will be showing you how to draw an eye with Brustro's Fine Art Graphite Pencils. This is set of 12 pencils. And I will select 2H pencil, 2B, B, 4B, 6B and 10B. These 6 pencils, I will teach you how to make eye. So basically, I am using 2H pencil for making the basic shape of the eye. If you don't know how to draw basic shape of eye, you can check my previous videos. Usme maine how to draw eye with the basic shapes wo explain kiya hai, basic proportions ke saath, so you can learn from them, and I will link that video in the descriptions. You can check out that video. So I'm using 2H pencil for the basic layer of the iris. Basic layer hona bahut zaruri hai for creating the depth in the eye. Abhi main usko cotton bud ke saath smudge kar dungi. Aap koi bhi paper stump ya tissue paper use kar sakte hain for smudging. Again repeating the same process with B grade pencil. बी थोड़ी सी ज्यादा डार्क होती है, इसलिए आइरिस हमेशा लेयर बाय लेयर बनाना ही अच्छा होगा, बिकॉज अगर आप पहले ही डार्क लेयर्स मारना शुरू कर दोगे तो वो बिल्कुल भी उसमें डेप्थ नहीं दिखेगी और बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं दिखेगी. तो अभी छोटे छोटे लाइंस, छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे रही हूँ, जैसे पहले 2H पेंसिल के साथ किया था. Nothing is changed. Again blending with the cotton bud. Now grabbing 2B pencil for making the lines more identifiable. एकदम पतली पतली लाइंस जो सर्कल को डिफाइन कर रही है, आउटलाइन उसकी. Again, smudging with cotton bud. You can even use brush. Now grab your pencil eraser or any kind of eraser which you use and which have the edges on it. So aap usse create kar sakte highlights. Or repeating the same process with 2B pencil. थोड़े से हाइलाइट्स के साइड में हाइलाइट्स को आउटलाइन दे रही हूँ थोड़ी, जिससे हाइलाइट्स एकदम पॉप हो के आए. रफली स्मज विद द ब्रश, सॉफ्ट ब्रश है. अभी 10B पेंसिल के साथ प्यूपिल बनाऊंगी. प्यूपिल इज द मोस्ट डार्केस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. नाउ ग्रैब योर 4B पेंसिल एंड रिपीट द सेम प्रोसेस डन विद 2B पेंसिल. जो हाइलाइट्स देने के बाद में किया था वही. यहाँ पे लाइंस डिफाइन हो रही है और जो भी अंदर की डिटेल है आयरिस में वो मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ उसके ऊपर. एकदम रफली स्मज कीजिए ब्रश के साथ. और फिर से थोड़ी बहुत हाईलाइट दूंगी.
उसके सर्कल की आउटलाइन थोड़ी सी डार्क करूंगी जहां से सर्कल डिफाइन हो। Now you could observe that the iris is slightly but more than slightly popping up और थोड़ी लाइन्स मच करूंगी ब्लेंडिंग स्टम्प से, जो आउटलाइन अभी 60 पेंसिल के साथ बनाई थी उसको, सिर्फ उसको। और ये जो ऊपर हाइलाइटेड एरिया दिख रहा है वाइट पोर्शन, वो हाइलाइट्स है और उसके ऊपर मैंने ये आई लैशेज की रिफ्लेक्शन बनाई है। तो अभी 2H पेंसिल के साथ मैं आईबॉल बनाना स्टार्ट करूंगी। Remember that none of the eye has eyeball completely white. उसमें बहुत सारे shades होते हैं grey के। Now repeating the same process with 2B pencil. सिर्फ left eye के लिए, left side के लिए, because the left side was bit darker than the right one. Now going with 2H pencil, upper eyelid or lower eyelid ke shade karne ke liye. ये अपर आईलिड की लाइन और कुछ अपर आईलिड के पार्ट्स 2B पेंसिल के साथ भी शेड करूंगी और बाद में साथ में स्मज करूंगी एक टिश्यू पेपर के साथ। टिश्यू पेपर का छोटा सा टुकड़ा हमको लेना। ये कंप्लीटली प्रोसेस अपने आपके रेफरेंस आई के ऊपर डिपेंड होती है। आंखों का जो आगे का टियर डक्ट बोलते हैं उसको, तो टियर डक्ट को मैं 2B पेंसिल और 4B पेंसिल के साथ बनाऊंगी। आई हैव सीन मेनी बिगनर्स डूइंग द रिपीटिंग द सेम प्रोसेस, सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। वो सबसे पहले बहुत डार्क चले जाते हैं और बाद में इरेजर के साथ रफ करते बैठते हैं फॉर क्रिएटिंग द हाइलाइट्स। So rather than going with the darkest pencil first, you should go layer by layer with lowest pencil, lowest grade pencil, जिससे आप या एनी सब्जेक्ट यू हैव बहुत रियलिस्टिक बने। आई एम जस्ट विद डार्कनिंग अप द लाइन ऑफ अपर आईलिड। अभी पेंसिल इरेजर के साथ वापस हाइलाइट्स क्रिएट किए। बहुत इजी वे है आंख बनाने का प्रोसेस। जस्ट आपको लेयर बाय लेयर जाना है, ग्रेड्स को धीरे धीरे मीन्स स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो अभी मैं आई लैशेज बनाऊंगी। ये मैं 4B पेंसिल के साथ आई लैशेज स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि आई लैश डार्क हेयर्स होते हैं अपर आईलिड पे। इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ आई लैशेज और एनी अदर पार्ट,
जैसे कि आयरिस वगैरह. इफ़ यू वॉन्ट सेपरेट ट्यूटोरियल ऑन दैट हाउ टू मेक दोज पार्ट्स दोज एलिमेंट्स सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो टू मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट दोज वीडियोज विच विल डेफिनेटली हेल्प यू. नाउ रिपीटिंग द सेम प्रोसेस विद 6B पेंसिल. 6B पेंसिल बहुत डार्क होती है इसलिए If you try to draw this eye from this video, please do tag me on Instagram. My ID is parmardipalihimangi1, where you can find regular updates or what I am doing. You can find there. So, abhi lower eyelashes main 4B pencil ke saath hi banaungi. As you can observe, these lower eyelashes are quite smaller and thinner than upper eyelashes. तो अभी 2B पेंसिल जो मेरी मैकेनिकल पेंसिल है उससे थोड़ा डिटेलिंग दूंगी. एंड हियर वी गो. आवर आई इज बिट रेडी. हाँ, लेट्स नॉट फॉरगेट द वेन्स और आर्टरीज. उसमें नर्व्स होती है आंखों में. आप देखेंगे किसी की भी आंख में नर्व्स होगी ही. सो here we are done with the eyes and remaining part is of highlighting the parts. तो अभी इरेजर के साथ तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगी क्योंकि इतना पॉइंटेड इरेजर होता नहीं है अभी. तो सबसे ईजिएस्ट वे है टू ग्रैब योर जेली रोल और कोई भी जेल पेन वाइट कलर का आप यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग हाईलाइट्स. Highlights make the eye or any other part you want to make complete. So if you haven't subscribed to the channel, please do subscribe and like the video if you found this helpful and do share and comment below. So here I conclude the drawing of eye. Hope you liked the video and enjoyed it. Thanks for watching. Bye.